नमस्कार, कुक विद शिवाय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल पकौड़े की मसालेदार सब्जी। मूंग दाल के पकौड़े हम खाते रहते हैं, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में नहीं। तो आज हम इसी की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो 2 कटोरी हमने मूंग की दाल ली है, जिसे मैंने 3-4 घंटे पानी में भिगो दिया था। दाल हमारी फूल के तैयार हो जाती है। तो जार में हमने डाल दिया है सारी दाल को। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें हम। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, जितना आप तीखा खाना चाहते हो उस हिसाब से ले लीजिए। 6 से 7 कली लहसुन की हमने ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। बिना पानी के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। काफ़ी आसानी से ये पिस के तैयार हो जाता है बिना पानी के भी। तो दाल बहुत अच्छे से पिस चुकी है, सारी दाल को हम बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। कटा हुआ प्याज हम डालेंगे, 1 बड़े साइज का प्याज हमने काट लिया था छोटा छोटा। धनिया पत्ता हमने लिया, इसे भी डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। मूंग दाल के पकौड़े जितने सिंपल बनाए जाए उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो अब हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। सारी चीज़ें मिल चुकी हैं आपस में बहुत अच्छे से। तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसमें धीरे धीरे से अपने सारे पकौड़े हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप हाथ से पकौड़े नहीं बनाते हैं तो आप इस तरीके से चम्मच से भी पकौड़ों को फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाथ से बनाने की आदत है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप इस तरीके से हाथ से भी पकौड़ों को तेल में छोड़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से और जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सारे पकौड़ों को तेल में छोड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह से। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इन्हें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे पकौड़े हमारे बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है इसमें और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये देखने में ही लग रहे हैं। तो पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहे तो इन्हें स्नैक्स की तरह ऐसे ही सॉस, चटनी या फिर अचार के साथ खा सकते हैं, लेकिन हम इसकी सब्ज़ी बना रहे हैं तो आगे की तैयारी करेंगे। पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम अपने सब्ज़ी के लिए, ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमने ली है, जार में डाल देंगे इन्हें। इसके साथ ही हमने कटा हुआ प्याज लिया है 1, इसे भी डाल देंगे जार में। बिल्कुल सिंपल सा हमें पेस्ट बनाना है मसालों का। 1 टमाटर हमने लिया है कटा हुआ, इसे भी डाल देंगे, रफली चॉप करके लिया है। और सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमारा बनके तैयार है। बिल्कुल कोई भी झंझट नहीं है, कम से कम सामान में ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, तो हम लेंगे ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची को हमने बहुत ही बढ़िया से क्रश कर लिया है, बिल्कुल कूट लिया है महीन, इसे भी डाल देंगे। बड़ी इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जब इसके दाने मुँह में आते हैं तो मुँह का टेस्ट ही बदल जाता है। जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर का, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे। सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर है ये, इसे भी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हम यहीं पर डाल देंगे, इससे मसाले हमारे जल्दी भून के तैयार हो जाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इन्हें हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, जब तक मसालों से तेल ना निकलने लगे और मसाले हमारे अच्छे से पक नहीं जाते हैं। ढक देंगे थोड़ी देर के लिए हम। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, मसाले हमारे पक चुके हैं, अच्छे से भुन गए हैं, सारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो एक बार हम इसे मिला देंगे। तो मसाले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1-1.5 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि जो पकौड़े हैं वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सब्ज़ी बाद में जैसे जैसे ठंडी होगी वो थिक होती जाएगी, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक करके अच्छा उबाल आने तक इसे पकाएंगे। तो 5-6 मिनट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया से जो ग्रेवी हमारी है वो उबल रही है। तो अब हम इसमें जो हमने पकौड़े फ्राई किए थे उसे ऐड कर देंगे और 3-4 मिनट इसे भी पकाएंगे पकौड़े के साथ। धनिया पत्ता डाल देंगे कटा हुआ और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से।
गरम मसाला और धनिया पत्ता लास्ट में डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आता है। अब 2-3 मिनट तक हम सारी चीज़ों को और पकाएंगे ताकि पकौड़े जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं, सारी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लें। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से आपस में मिल जाएं। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी में फिर से उबाल आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी से। जब आप इसे बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत ही बढ़िया कलर आया सब्ज़ी का, आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो मूंग दाल के पकौड़े तो हम खाते ही रहते हैं, आप इस तरीके से मूंग दाल के पकौड़े की मसालेदार सब्ज़ी बनाइए, ये भी बहुत मज़ेदार लगती है खाने में। और अभी आपको मेरी सब्ज़ी की जो ग्रेवी है थोड़ी सी पतली दिख रही है, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये बिल्कुल थिक होती जाएगी। तो प्लेटिंग हमने कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब और मज़ेदार हमारी सब्ज़ी दिखाई दे रही है। बहुत ही कम सामान में हमने बनाया है, बेसिक से सामान में जो किचन में सबके अवेलेबल होता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।